नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के कहर से पिछले साल बड़ी संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस कर्मियों को जान गंवानी पड़ी। यही वजह रही कि देश में जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो सबसे पहले इन्हें ही प्राथमिकता दी गई। इसका अच्छा असर भी हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वालों में इन फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। हालांकि मीडिया कर्मी इतने भाग्यशाली नहीं रहे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टरों और लगातार ऑफिस जा रहे पत्रकारों को न तो फ्रंटलाइन वर्कर माना गया और न ही उनको वैक्सीन में प्राथमिकता मिली। परिणाम ये हुआ कि कई नामी गिरामी पत्रकार सहित अलग अलग राज्यों में 300 से ज्यादा मीडिया कर्मी कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इसे त्रासदी ही कहेंगे कि अप्रैल के महीने में हर रोज औसतन 3 पत्रकारों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा। मई में यह औसत बढ़कर हर रोज 4 का हो गया। कोरोना की दूसरी लहर में देश ने कई वरिष्ठ पत्रकारों को खो दिया। जिले कस्बे गांवों में काम कर रहे तमाम पत्रकार भी इस जानलेवा वायरस के सामने हार गए। दिल्ली आधारित इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से 16 मई 2021 तक कोरोना संक्रमण से कुल 238 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की पहली लहर में अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56 पत्रकारों की मौत हुई, लेकिन दूसरी लहर ज़्यादा भयावह साबित हुई। 1 अप्रैल 2021 से 16 मई के बीच 171 पत्रकारों ने दम तोड़ दिया। शेष 11 पत्रकारों का निधन जनवरी से अप्रैल के बीच हुआ। इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में 82 पत्रकारों के नाम और हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया के मुताबिक भी करीब 300 पत्रकारों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। इसका एक गूगल डॉक्यूमेंट ट्विटर पर खूब शेयर हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की रिपोर्ट में उन सभी पत्रकारों को शामिल किया गया है जो फील्ड में खबर एकत्रित करते हुए अथवा दफ्तर में काम करते हुए कोरोना संक्रमित हुए और उनकी जान चली गई। ओडिशा सरकार ने पत्रकारों के निधन पर 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है तो राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं यूपी सरकार भी 5 लाख रुपए देती है। हालांकि सीमित संसाधन का हवाला देते हुए राणा पत्रकारों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं जुटा पाने की बात कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।